यूपी का चुनाव भी चल रहा है, अमित शाह इस वक्त लखनऊ में है, वहां पे प्रबुद्ध लोगों से उनकी मुलाकात चल रही है, वो तस्वीरें आपके सामने। किसान सम्मान निधि प्राप्त जिनको हो रही है, ऐसे किसानों की संख्या में उत्तर प्रदेश एक नंबर है। एक भी चीज में उत्तर प्रदेश उत्पादन में पहले एक नंबर पर नहीं था। अब ध्यान से सुनेगा, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध, दूध में भी उत्तर प्रदेश आज देश में एक नंबर पर पहुंचा है। ये बताता है कितना सार्वत्रिक दृष्टि से सम विकास करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। नौकरी और रोजगार सृजन में भी जो 2017 में बेकारी की दर 17.5 थी, वो घटकर 4.1 हो गई है। और ये आंकड़े सारे ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैंने पहले कहा कि ढेर सारे कनेक्टिविटी के काम भी हमने किए हैं और लगभग लगभग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक दर्जन नीतियां बनाई है। 186 सुधार करे हैं, पोर्टल 327 बनाए हैं और लगभग 40 से ज्यादा विदेशी कंपनी आज यहां पर उत्पादन शुरू कर चुकी है। इसका मतलब है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ देश का नहीं विदेश का भी निवेश आने वाला है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले छर्रे और कट्टे बनते थे, वहां पर आज मिसाइल्स और गोला बन रहा है जो देश की सुरक्षा 24 घंटे करने में सक्षम। स्वाभाविक है रक्षा मंत्री जी यहीं से है तो उत्तर प्रदेश को उसका फायदा मिलना ही है। तो लखनऊ से लेकर बुंदेलखंड तक एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया जिसके अंदर ढेर सारा इकाई लगे गए जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी मौके की निर्मिति करता है। लगभग 1,88,000 करोड़ का निवेश नया गत एक साल के अंदर आया है टोटल 3,00,000 करोड़ में से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।